वास्तु रविराज की ओर से डॉक्टर रविराज अहिर राव का नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे श्रावण मास के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पांचवा महीना और सभी 12 महीनों में सर्वाधिक यानी सबसे पुण्यशाली महीना अगर कोई होगा तो वो केवल श्रावण मास ही माना जाता है। ऐसे श्रावण मास में हमें अपने पुण्य संचय का संवर्धन करने का एक बहुत बड़ा अवसर कुदरत ने दिया है। इससे कैसा लाभ प्राप्त करें, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। वैदिक सनातन धर्म के अनुसार श्रावण मास शुरू होने से 15 दिन पहले यानी आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है और गुरु पूर्णिमा के 4 दिन पहले देवशयनी एकादशी आती है। इस आषाढ़ देवशयनी एकादशी से कार्तिक मास के एकादशी तक के समय को चातुर्मास कहा जाता है और चातुर्मास ये ईश्वर भक्ति तथा पुण्य कर्म के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। पुराने जमाने में हमारे संत महंत तथा ऋषि मुनि हमेशा तीर्थ क्षेत्र की यात्रा पर हमेशा घूमते रहते थे, लेकिन चातुर्मास का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इन 4 महीनों में आपको एक ही जगह यानी किसी एक ही यात्रा स्थल पर आपको रहना है, वास्तव्य करना है और वहीं पे आपको ईश्वर भक्ति करनी है, कुदरत को समझना है, अपने शरीर को संवर्धन करना है, अपनी आत्मा का संवर्धन करना है, श्रवण भक्ति से तथा यंत्र मंत्र स्तोत्र के माध्यम से अपनी आत्म संवर्धन तथा ईश्वर भक्ति का मार्ग जो किया जाता है, ये चातुर्मास का सबसे बड़ा महत्व होता है। सो श्रवण भक्ति से जिस महीने में आपको पुण्य प्राप्त करना होता है, इसलिए इस मास को श्रावण मास भी कहते हैं। दूसरा, ज्योतिष शास्त्र तथा ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जिस महीने की पूर्णिमा को जो नक्षत्र होता है, खास करके श्रावण महीने के पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र होता है, इसलिए भी इस मास का नाम श्रावण मास कहा जाता है। दोस्तों, श्रावण मास सभी देवी देवताओं में देवों के देव महादेव जी की पूजा अर्चना तथा प्रार्थना करने का सबसे बेहतरीन मास यानी महीना माना जाता है। हालांकि स्कंद पुराण में साक्षात भगवान शिव जी ने ही सनत कुमार को बताया है कि इन 12 महीनों में सबसे सर्वाधिक प्रिय महीना उन्हें श्रावण ही लगता है और इस श्रावण मास में जो भी भक्त भगवान शिव जी की पूजा करते हैं उन्हें वो जरूर बहुत अच्छे आशीर्वाद देते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको कहा कि चातुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से होती है, वहीं से चातुर्मास की शुरुआत होती है। दोस्तों, आपको मालूम होगा महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा भक्ति संप्रदाय है जिन्हें वारकरी संप्रदाय कहा जाता है और इस देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के भक्तगण लाखों की संख्या में सैकड़ों मील पैदल चलकर पंढरपुर में पहुंचते हैं और भगवान विट्ठल का दर्शन करते हैं और वहीं से चातुर्मास की शुरुआत होती है। दोस्तों, चातुर्मास का दूसरा साइंटिफिक महत्व यह है कि श्रावण महीने में यानी इन 4 महीनों में एक तरफ आपको अपनी सेहत का ख्याल करना है, अपने भोजन और व्यंजन पर भी आपको एक संतुलन रखना है और साथ ही साथ ईश्वर भक्ति के माध्यम से आत्मसंवर्धन करना है। दोस्तों, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सर्वाधिक त्योहारों का आयोजन या नियोजन इस चातुर्मास में ही किया हुआ।
शास्त्रीय यानी साइंटिफिक आधार पर अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा कि चातुर्मास का समय यानी बारिश के दिनों में बीमारियां फैलने के आसार बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस चातुर्मास में अनेक त्योहारों का नियोजन किया हुआ है, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार हर त्योहार के वक्त आपको अपने घर की, अपने वास्तु की साफ सफाई करनी है। जितना आप अपनी वास्तु को साफ सुथरा रखोगे उतनी ही आपकी वास्तु प्रसन्न होगी, और प्रसन्न वातावरण में ही हमारी अपनी मानसिकता प्रसन्न होती है, जिसके फलस्वरूप हमारा कार्य, हमारी सोच सब में हम बेहतरीन काम करते हैं, और बेहतरीन काम, अच्छी सफलता और सफलता के साथ समृद्धि और मन शांति भी प्रदान करता है। इसलिए एक और आपको आपके घर की साफ सफाई करनी है। साफ सफाई करने से बीमारी फैलाने वाले जीवाणु कीटाणुओं का आप नाश कर। दूसरी ओर इन त्योहारों के लिए कुछ खास विशेष व्यंजनों का भी आयोजन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप इस बरसाती मौसम में आपके शरीर को वही व्यंजन दिए जाते हैं जिसके माध्यम से आपका शरीर हल्का फुल्का रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और ऊर्जात्मक रहेगा। तो तीसरी बात यह है कि इन व्यंजनों के साथ में हम भगवान की विशेष पूजा भी करते हैं, और इस पूजा के माध्यम से हम अपना आत्मिक संवर्धन करने की कोशिश करते हैं। तो एक और वास्तु की सफाई, मन का उजाला, शरीर को बेहतरीन व्यंजन, शरीर को ऊर्जा, और भक्ति मार्ग से आत्म उन्नति। इन तीन चीजों के माध्यम से हमारे त्योहार मनाए जाते हैं, या मैं कहूंगा यही हमारे त्योहारों का सही मकसद है।